नमस्कार दोस्तों, यूथ ग्रोथ चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम कैटलॉगिंग की एंट्री करेंगे। कैटलॉग में एंट्री कैसे करते हैं? पिछली बार जो हमने एंट्री की थी वो तीन ऑथर से कम थी, आज हम करेंगे जो मोर देन थ्री ऑथर है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है मोर देन थ्री ऑथर का, मैनुअल ऑफ कैटलॉगिंग प्रैक्टिस सी 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 एंड ए सी आर टू बाय डॉक्टर एन एस शौकीन, डॉक्टर संजीव शर्मा, डॉक्टर दिनेश गुप्ता एंड डॉक्टर विजेंद्र सिंह। तीन से ज़्यादा ऑथर हो गए, चार हो गए। एडिटेड किया इसको, एडिटेड बाय प्रोफेसर एस एम त्रिपाठी, वाई की पब्लिशर है इसका, और आगरा से पब्लिश हुई है 1999 में। ठीक है, इसका कॉल नंबर ये है, पेज नंबर ये है, और साइज 26.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एक्सेस नंबर 55492 है, और नोट दिया हुआ है हमें शौकीन सीरीज इन लाइब्रेरी सोर्स नंबर 4, यानी नोट को हम सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसकी एंट्री कैटलॉग कार्ड में कैसे करते हैं वो जानते हैं। ठीक है, ये कैटलॉग कार्ड है। ठीक, इसमें हम एंट्री कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले पहली लाइन में आपको पेंसिल से कॉल नंबर लिखना होगा। यहाँ पर पेंसिल से गा हमेशा ही कॉल नंबर हमारा क्या था, कॉल नंबर था हमारा ये 2:55N99 ये था। तो ये हम ये यहाँ पर भरते हैं, टू फाइव फाइव एन नाइन नाइन, ये हमेशा ही पेंसिल से आएगा क्योंकि इसको मिटाने की जरूरत पड़ती है, पेंसिल से आएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहां पर टाइटल डालें। टाइटल क्या है हमारा, ये रहा मैनुअल ऑफ कैटलॉगिंग प्रैक्टिस सी 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 एंड ए सी आर टू। ठीक है, ये डालते हैं, यहां से स्टार्ट करना है इसके पास से। कैटालॉगिंग प्रैक्टिस सी 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 एंड, अगर यहां पर पूरा नहीं आता तो यहां पर यहां से यहां तक लिखना है, आगे नहीं जाना है, यहां तक ही लिखना है। पहली लाइन आई तो यहां से स्टार्ट होगा, अगर ऑथर आता है तो ऑथर स्टार्ट होगा हमारा यहां से ही, यहाँ से स्टार्ट होगा, और जो टाइटल स्टार्ट होगा यहाँ से होगा। लेकिन यहाँ पर ऑथर नहीं आया क्योंकि तीन से ज़्यादा ऑथर है ना, तो सबसे पहले टाइटल आएगा। तो यहाँ तक लिखा मैंने सी 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 एंड ए ए सी आर टू। ठीक, इसके बाद ऑथर आएगा, ऑथर कौन है हमारा, एन एस शौकीन, संजीव शर्मा, दिनेश गुप्ता, विजेंद्र सिंह। तो हमें चारों की लिखने की जरूरत नहीं है, हमें जो पहला ऑथर है वही लिखना है। ठीक है, पहला ऑथर हमारा एन एस शौकीन, तो एन एस शौकीन ऑथर लिखने से पहले हमें ये निशान लगाना होता है। ठीक है, ये निशान लगा करके लिखना हमें बाय एन एस शौकीन, एस एच ओ के डब्ल्यू एन शौकीन। ठीक है, उसके बाद जितने तीन से ज्यादा ऑथर है तो तीन डॉट आएंगे, एक दो तीन डॉट, और ब्रैकेट यहां पर आएगा ई टी डॉट ए एल डॉट और ब्रैकेट बंद, ये हमेशा ही आएगा। अगर तीन से ज्यादा ऑथर है तो ई टी डॉट ए एल लिख करके ब्रैकेट बंद, उसके बाद ये चिन्ह आएगा, दिख रहा है आपको, ठीक है। फिर इसके बाद हमें क्या दिया हुआ, एडिट दिया हुआ, तो एडिट, तो फिर हमें लिखना एडिटर, फिर से हम यहां से नहीं लिखना, यहां से स्टार्ट करना है, एडिट बाय एडिटेड बाय
किसने किया? SM त्रिपाठी। तो SM त्रिपाठी TRIPTHI ये दे रखा, ठीक है। SM त्रिपाठी आ गया। फिर हमें लिखना है हमें स्थान। स्थान क्या है? स्थान से पहले हमेशा ये चिन्ह आएगा, ध्यान रखना। AGR आगरा। स्थान लिखने के बाद ये अनुपात का चिन्ह आएगा। इसके बाद पब्लिशर आए। पब्लिशर कौन है हमारा? वाई के पब्लिशर। तो हम यहां पर वाई के लिख देते हैं, वाई के, वाई डॉट के, डॉट के, ठीक है। तो उसके बाद हमें ईयर लिखना है। ईयर से पहले हमें कोमा लगाना होता है, ठीक है। तो ईयर कौन सा हमारा? 1999 है, ठीक है। तो 1999 हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एंट्री की, वो होगी। तो उसके बाद हमें लिखना क्या बच गया हमारे पास? एक्सेस नंबर। एक्सेस नंबर हमेशा ही पांचवी लाइन में आता है और ये पेन से आएगा, ठीक है। पांचवी लाइन कहां पर हमारी? 1 2 3 4 5 यहां पर आएगा। तो क्या हमारा एक्सेस नंबर? 5 5 4 9 2। तो यहाँ पर आएगा 5 5 4 9 2, ठीक है, आ गया। फिर हमें और क्या दिया हुआ है? फिर हमें दिया पेज नंबर। पेज नंबर लिखना है। तो पेज नंबर इसके नीचे लिखेंगे, जो लाइन खत्म हुई है हमारी, ये लाइन खत्म हुई है। तो पेज नंबर यहाँ पर लिखेंगे। पेज नंबर दिया हुआ है हमारा IX+2 1 5। IX+2 1 5। क्षमा करना, ये प्लस नहीं आएगा, यहां पर आएगा कोमा, कोमा आएगा, ठीक है। IX+2 1 5। फिर इसके बाद में ये चिन्ह आएगा। ये चिन्ह आने के बाद में हमें साइज लिखना है। साइज कितना हमारा? 26.5 सेंटीमीटर। तो हम इसको 27 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि 5 से ज़्यादा है या 5 है, इसको 27 लिख सकते हैं। तो ठीक है, अगर 26.4 होता तो हम इसको 26 लिखते हैं। 26.5 है या 26.6 है, तो हम इसको 27 लिखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको 27 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ, 27 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? इसके बाद हमें दिया हुआ है सीरीज या नोट, ये लिखना है। सीरीज लिखने से पहले हमें ये चिन्ह जरूर लगाना होता है, ठीक है। सीरीज दी हुई है हमें, शौकीन सीरीज ये दे रखी, शौकीन सीरीज इन लाइब्रेरी सोर्स नंबर 4, ये लिखता हूँ मैं, SHOKWN शौकीन सीरीज इन लाइब्रेरी साइंस, LIBRARY लाइब्रेरी साइंस, सॉरी सोर्स, SORC सोर्स नंबर 4, ठीक है, ये दे रखा हमने। शौकीन सीरीज इन लाइब्रेरी सोर्स नंबर 4 ये लिख दिया। इसके बाद हमें यहाँ पर लिखना होगा सब्जेक्ट नंबर 1 डालकर। सब्जेक्ट इसमें क्या ढूंढो? ये टाइटल है हमारा, मैनुअल ऑफ कैटलॉगिंग प्रैक्टिस CCC एंड ACR 2। इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा? क्या हो सकता है? कैटलॉगिंग का जिक्र है, तो कैटलॉगिंग किसमें संबंधित आता है? लाइब्रेरी। तो इसको सब्जेक्ट हो गया हमारा कैटलॉगिंग लाइब्रेरी, CATALOG UING, कैटलॉगिंग लाइब्रेरी,
ठीक है, इसके बाद हमें और क्या दिया हुआ इसमें? ऑथर दिया हुआ है तो हमें ऑथर लिखेंगे। ये एक मैंने क्यों डाला? ये डाला टाइटल के लिए, सॉरी सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट के लिए एक डालता है, उसके अंदर जो पार्ट होते हैं उसके लिए ये छोटे आते हैं। ठीक है, ये डाल दिया हमने ऑथर। ठीक है, तो ये आप सोच रहे हो कि मैंने फर्स्ट वाला नाम बाद में और बाद वाला नाम, आप ये सोच रहे होंगे कि बाद वाला नेम पहले और पहले वाला नेम बाद में क्यों डाला है। जो एंट्री ऑथर की एंट्री बनती है ना, तो उसको पहले वाला नाम बाद में बाद वाला नाम पहले जाता है। जैसे सर नेम फोर नेम हो जाता है, फोर नेम सर नेम डाला जाता है। ठीक है, तो ये ऑथर डाल दिया हमें। ऑथर के बाद हमें क्या दिया हुआ है? हमें दी हुई है ये एडिटेड। एडिटेड कौन है हमारा? SM त्रिपाठी। यहाँ पर देखिए SM त्रिपाठी। तो एडिटर का भी नाम फोर नेम सरनेम होगा, सरनेम फोर नेम होगा, तो उसको हम सेकंड नंबर डालते हैं। सेकंड नंबर त्रिपाठी TRIPATHI त्रिपाठी SM। ठीक है, इनके बीच में कॉमा आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर भी कॉमा आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर इसके बाद में ED आएगा क्योंकि इसमें ये एडिटर है। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे आएगी सीरीज। सीरीज ये सोकिन सीरीज इन लाइब्रेरी सोर्स नंबर 4, ये लिखना हमें। ठीक है, ये एडिट एंट्री के लिए है। जैसे ये सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट की एंट्री होगी। सेकंड नंबर क्या हमारा? ऑथर, तो ऑथर की एंट्री होगी। ठीक है, और थर्ड नंबर पर क्या है? एडिटर, तो एडिटर की एंट्री होगी। और फोर्थ नंबर पे हमारी सीरीज डाली जाएगी, सीरीज की एंट्री बनेगी। ठीक है, तो सीरीज डालता हूँ मैं। सीरीज क्या हमारी? सोकिन सीरीज इन लाइब्रेरी सोर्स नंबर 4, तो ये नाम पूरा आ जाएगा। ठीक है, SHOKEE सोकिन एन सीरीज SERIES सीरीज इन लाइब्रेरी RARY सोर्स SOUR सोर्स नंबर 4। ठीक है, आ गया। फिर हमें इसकी एंट्री डालनी है, एडिट एंट्री ऑफ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? ऑथर, फिर एडिटर और सीरीज एंट्री डालनी। ठीक है, ऑथर हमारा ये है NS SOKIN, तो इसकी एक ही एंट्री बनेगी। और सब्जेक्ट जो हमने सब्जेक्ट लिए ये एंट्री डलेगी, और सेकंड नंबर पे एडिटर की एंट्री डलेगी, थर्ड नंबर पे एंट्री एडिटर की डलेगी, और फिर हमें सीरीज की एंट्री डलेगी। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की एंट्री डालते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा? कैटलॉगिंग लाइब्रेरी। कैटलॉगिंग लाइब्रेरी में हमें सब्जेक्ट डालते हैं, यहाँ पर आएगा ये। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये लिखना होगा, क्या हमारा ये कॉल नंबर 255N99। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हमारा? कैटलॉगिंग CATALOGING कैटलॉगिंग लाइब्रेरी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डालना है ऑथर, क्योंकि हमने सब्जेक्ट की एंट्री बनाई है, तो ऑथर तो होगा ही, तो हमें ये डालना है ऑथर। ठीक है, यहाँ पर से लिखना ऑथर SHOKEEN सोकिन NS। ठीक है, ये हमारी सब्जेक्ट एंट्री होगी। अब ऑथर एंट्री डालते हैं हम। ऑथर कौन है हमारा? सोकिन NS। तो हमारी जो एंट्री बनेगी यहाँ पर बनेगी, यहाँ से लिखना हमें। सबसे पहले हमें यहाँ पर कॉल नंबर लिखना है 255N99। ठीक है,
तो ऑथर है हमारा सोकिन हेनेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या डालना है, हमें यहाँ पर पूरा टाइटल डालना है, मैनुअल ऑफ कैटलॉगिंग प्रैक्टिस एंड सीसी एंड एशिया 2, ये पूरा डालना है। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया मैनुअल ऑफ कैटलॉगिंग प्रैक्टिस सीसी एंड एशिया 2। ठीक है, ये उत्तर होगी। फिर हमने एडिटर डालनी, तो एडिटर हमने क्या लिखा यहाँ पर, ये लिखा है त्रिपाठी एसएम, तो त्रिपाठी एसएम लिख दिया। फिर हमने लिखा मैनुअल सब्जेक्ट, मैनुअल ऑफ कैटलॉगिंग प्रैक्टिस सीसी एंड एशिया, सॉरी टाइटल है, टाइटल लिख दिया हमने। और यहाँ पर पेंसिल से आएगा कॉल नंबर। ठीक है, और फिर हमने हमने एंट्री बनानी है सीरीज की, जो हमें दी हुई एंट्री वही बनेंगे, जैसे हमें इसके अंदर हमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑथर दिया हुआ है, एडिटर दिया हुआ है, सीरीज दी हुई है। ठीक है, तो इसकी एंट्री बनानी है, जैसे ये हमें सब्जेक्ट दे दिया, सीरीज दे दी हमें, एडिटर दे दिया और ऑथर दे दिया, इसकी एंट्री बनी है। ठीक है, और सीरीज हमने सीरीज डाल दी शोकिन सीरीज इन लाइब्रेरी सोर्स नंबर 4। ठीक है, और यहाँ पर हमने टाइटल डाल दिया मैनुअल ऑफ कैटलॉगिंग प्रैक्टिस सीसी एंड एसीआर 2। ठीक है, और इस अगर आपको ये फिर भी समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को एक बार फिर प्ले कर सकते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि अगर आपको समझ इसको अगर आप समझ में नहीं आई है तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूँ जिससे आप समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमें पेंसिल से डालना है हमें कॉल नंबर। ठीक है, 2 5 5 N 9 9। ठीक है, आगे अब इसके बाद में हमें डालना है टाइटल, टाइटल डाल दिया। उसके बाद में हमें ये निशान लगा करके ऑथर लिखना है, ठीक है, ऑथर लिख दिया। उसके बाद में हमें ये निशान लगाना होगा, ठीक है, ये निशान लगाने के बाद हमें एडिटर डालना होगा, एडिटर डाल दिया। उसके बाद में हमें ये निशान लगाना होगा, ठीक है, इसके बाद में हमें एरिया डालना होगा, एरिया मतलब जैसे आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, ऐसे स्थान दिया वो डालना है। फिर उसके बाद में हमें ये चिन्ह लगाना है, फिर उसके बाद में पब्लिशर डालना है, डाल दिया। पब्लिशर डालने के बाद में हमें ये निशान लगाना है, कॉमा लगाना है, फिर हमें डालनी ईयर। ठीक है, ईयर के बाद में हमें डालना है साइज नीचे, सॉरी साइज डाल दिया। ठीक है, तो उसके बाद में हमें जो भी दी हुई है वो जो एडिट एंट्री बनानी है, जैसे हमें ये कैटलॉगिंग दी हुई है, कैटलॉगिंग लाइब्रेरियन, इसका सब्जेक्ट डालना है, सब्जेक्ट डाल दिया। फिर हमें ये इसकी ऑथर डाल दिया, फिर एडिटर डाल दिया, फिर ये इसका सीरीज डाल दी। ठीक है, इसकी एंट्री बन गई। आपको समझ आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको नई नई वीडियो मिलेगी, जो भी नई वीडियो आएगी वो आपको जल्दी मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।